12 साल के बच्चे ने साहस का परिचय देते हुए जहरीले नाक से अपने परिवार की जान बचाई। किस जिले में हुई ये घटना, देखते हैं इस खबर में। बुल्लाना मलकापुर मार्ग पर स्थित महाबोधि बुद्ध विहार परिसर से बीती रात एक बहुत ही हैरत अंगेज खबर प्रकाश में आई, जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। खबर यह है कि गहरी नींद में सोए एक परिवार के साथ रात भर विषैला नाग डेरा जमा हुआ था। किस्मत से परिवार के सभी सदस्य बाल बाल बचे। मिली जानकारी के मुताबिक विहार परिसर के एक कमरे में सिरसाट परिवार रहता है और बीती रात अनिता सिरसाट तथा उनके तीन बच्चे जब रात में गहरी नींद में सोए थे, उसी दरमियान कोबरा ने उनके घर में प्रवेश किया होगा। सोए परिवार को बीच बीच में आवाज़ आ रही थी, मगर उन्होंने अनुमान लगाया कि यह चूहे की आवाज़ होगी और उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया और गहरी नींद में सो गए। सुबह जब उनका बेटा अनिकेत उम्र 12 वर्ष की आंख खुली तो उसने आंखों के ठीक सामने माँ के पास कुंडली मारकर बैठे कोबरा को देखा तो वह घबरा गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने हिम्मत दिखाते हुए कोबरा को अपने हाथों से दूर हटाया और दुर्दय से वह कोबरा एक बार फिर उसकी 9 वर्ष की छोटी बहन आम्रपाली के शरीर पर चला गया। एक बार फिर इस 12 वर्षीय बालक ने हिम्मत दिखाते हुए इस कोबरा को और दूर झटका और यह कोबरा कोने में चला गया। इसके बाद भयभीत दहशत से भरा यह परिवार अपने कमरे के बाहर तेजी से आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। आवाज़ सुनकर भीमराव तथा भंते वहां पर पहुंचे। सुबह की सैर करने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम प्रदीप डांगे बताया जा रहा है, आवाज़ सुनकर वह भी तुरंत वहां पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी सर्प मित्र श्रीराम रसाड़ को दी। उसके बाद सर्प मित्र ने अपनी कौशलता का परिचय देते हुए सांप को वहां से रेस्क्यू किया, जिसके बाद वहां पर मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली।